सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? फाइनली हम पनवेल आ चुके हैं हिंदी स्क्रीनिंग के लिए। जैसा आपको पता है कि मिस्टर केतन जो ऑफिशियल वॉइस एक्टर है लूफी के, उन्होंने स्टोरी डाला था कि वो पनवेल आएंगे और उन्हीं के लिए हम आए हैं यहाँ पे। सो जानेंगे उनसे कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका कैसा था लूफी को वॉइस देकर, और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे एनिमे फैंस भी आए, तो उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे कि उन्हें ये पर्टिकुलर मूवी हिंदी में कैसी लगी है और उनका ओपिनियन क्या है इंडियन एनिमे फ्यूचर को लेके, और वगैरह वगैरह हम बात करेंगे। और जितना भी अच्छा खासा थिएटर में रिएक्शन कैप्चर होता है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो बिना किसी तरीके में इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। अगर इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो तुम्हारा सामना मौत से होगा। सो गाइस, अभी हमारे सामने है इंडियन लूफी ऑफिशियल वॉइस एक्टर ऑफ मंकी डी लूफी। तो सर, आपको कैसा लगा लूफी का किरदार निभाते हुए इस पर्टिकुलर फिल्म में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि ऐसा है कि मैं जब डब करने गया था तो मुझे मूवी का नाम तक नहीं पता था, और मैंने मैं गया तब पता चला OPFR लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो मैं बोला ये OPFR क्या है, पता नहीं, पर उनसे पता चला कि एनीमे है, तो मैंने बोला कि चलो बढ़िया है, एनीमे आजकल बहुत चल रहा है, हम डबिंग भी कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। तो मैंने पूछा उनको क्या है, उन्होंने बताया नहीं, बोलते कि नहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब इंटरनेट की दुनिया है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे मिल गया वन पीस फिल्म रेड। मैं इतना एक्साइटेड हो गया इस बात के लिए, मैंने देखे नहीं है, मतलब इसके जो सीरीज़ हैं वो बहुत सारे एपिसोड्स जो हैं, हज़ारों एपिसोड्स मैंने देखे नहीं थे, लेकिन मैंने सुना था कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने पूछा कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना है, और मुझे बताया गया कि मैं लूफी कर रहा हूँ। तो इतना एक्साइटेड हो गया मैं, और ये एग्जैक्ट मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद की बात है। मैं मतलब मुझे बर्थडे के पहले फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला बढ़िया है, मैं आके कर लूँगा, कोई स्ट्रेस नहीं। और ऐसे करके मुझे पता चला लूफी के बारे में, और जब मैंने पूरा डबिंग ख़त्म कर दिया मैं तो एक्साइटेड था कि कब रिलीज़ हो रही है, बस फिर पता चला 7th को हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा लूफी। तो आपने अभी जो फैंस का प्यार देखा थिएटर में, वो चीयर कर रहे थे, वो आपको कैसा लगा, दिल से बताओ? बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था, मतलब ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा क्रेज़ है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हाँ, मतलब हम सुनते हैं कि हाँ इस कैरेक्टर के बारे में, इस फिल्म के बारे में, ये पूरी सीरीज़ के बारे में इतना क्रेज़ है, लेकिन जब हम खुद देखते हैं तो हम शॉक हो जाते हैं, और फिर बहुत बहुत अच्छा लगता है कि लोग हिंदी को भी इतना ही प्यार दे रहे हैं। मूवी में सबसे आपका बेस्ट पार्ट क्या था, आपके हिसाब से अच्छा डायलॉग आपको कहाँ पे इन्जॉयमेंट ज़्यादा महसूस हुआ डबिंग करते हुए? मैं तो हर एक सीन में जहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, जब वो सबसे बेस्ट सीन वही लगा जब गॉर्डन आ जाते हैं बीच में और वो मेरे लिए तलवार खा लेते हैं, तो जब तब वो बोलते हैं कि रोते रोते वो कहते हैं कि लूफी तुम्हें कुछ करना होगा, और जो लूफी ट्रांसफॉर्म होके जाता है तब तो जो लोगों को, मतलब लोगों का चिल्लाना वो एक अलग ही गूज़बम्प्स दे देता है, सबसे फेवरेट सीन तो कह सकते हैं वो था। तो सर, अगर सपोज़ वन पीस हमें टेलीविज़न में देखने को मिले, जितने भी एपिसोड्स अगर डब होना शुरू होते हैं, तो क्या हमें आपकी आवाज़ सुनने को मिलेगी उसमें? अब मैं तो चाहता ही हूँ, जैसे ही मैं ये लूफी किरदार से जुड़ा हूँ तो लोगों का इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुआ, और मैं तो चाहता ही हूँ कि जितने भी जो भी वेंडर्स हैं, शायद क्योंकि ये फिल्म तो एक जगह पे आ गया, PVR ने करवाया, ये वो सब हो गया, लेकिन ये किस वेंडर के पास मूवी होने वाली, ये सीरीज़ होने वाली है डब, वो भी पता नहीं है, होने वाली है तो बहुत बढ़िया है, और अगर मुझे मिल गया तो मैं अपना 100% दूंगा, ऐसे ही प्यार दूंगा और 100% दे के अपना परफॉर्मेंस दूंगा मैं तो। ओके सर, अभी ये थोड़ी ऑड रिक्वेस्ट है, आप गुजराती हो, राइट? हाँ, तो क्या आप लूफी की एक डायलॉग गुजराती में बोल सकते हो हमारे दर्शकों के? बिल्कुल, जैसे कि फ्रेम कर लेता हूँ, एक लाइन है उसका, उता मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, तो मैं उसको बोलूँगा गुजराती में कि उता मैंने तारी साथी नहीं लड़वू। एक और डायलॉग है कि ठीक है तो अब वक्त आ गया है सुपर पंचेस का, तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है हमें टाइम आ भी गयो छे सुपर पंचेस नो, कुछ ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो
सो गाइस अभी हमने वन पीस फिल्म रेड कंप्लीट की है हिंदी स्क्रीनिंग, उसके लिए हम स्पेशली पनवेल आए थे। सो यहाँ पर हमारे साथ है ओजी फैन दोस्त, आपका नाम अनिकेत, अनिकेत पांडे। अनिकेत पांडे जी, आपको ये फिल्म हिंदी में कैसी लगी? सच बोलूँ तो बेस्ट है। मैं अभी जैपनीज डब में सुनता था, अच्छा लगा था, लेकिन जो कैरेक्टर का मीन्स जैसे जैपनीज का साउंड है वो साउंड सेम डिट्टो मैच हो रहा है ऑलमोस्ट। सिर्फ दो चार कैरेक्टर है जिनका मिसमैच है, प्लस चॉपर का वॉइस सबसे ज़्यादा क्यूट लगे, हम सुन के मज़ा आ गया था कसम से। मैं अभी लेटेस्ट ही ख़त्म किया, अप्रैल में मैंने वन पीस पूरा सीरीज़ ख़त्म किया और उसके बाद मांगा भी पूरा पढ़ लिया। लेकिन जो एक रहता है ना साउंड क्वालिटी मैच होना चाहिए, वैसा जैपनीज़ के बाद डायरेक्ट क्लोजेस्ट मेरे को हिंदी का लगा। अभी फिलहाल नारुतो डब हुआ है ना, जैसे काकाशी और जाबुजा का साउंड पूरा जैपनीज से डिट्टो मैच होता है, इसका भी एकदम एक्यूरेट ही है, एकदम मीन्स बहुत मज़ा आया है। सो अगर वन पीस अगर हमें टेलीविजन में देखने मिले ऑल द एपिसोड्स 1 to 1035, तो अगर वही वॉइस तुम्हें चाहिए जो सब जरूर जरूर बहुत अच्छा लगेगा। ये वॉइस अगर जो है ना सर मैं डेली देखूंगा, हम लोग टाइम निकाल के भी ना वो मीन्स कैसा हमारा पार्ट टाइम जॉब रहता है तो शाम को काम पे जाना रहता है, तो एयरटेल का एक्सट्रीम ऐप से नारुतो देखता हूँ मैं, तो मैं वन पीस भी देखना चालू कर दूंगा, टीवी पे देखूंगा संडेज को। अभी ड्रैगन बॉल सुपर कैसा मस्त रिलीज होता है संडेज को या सैटरडेज को, तो देखता हूँ। और तुम्हारे हिसाब से जो पीवीआर का ये स्टेप इतना इनिशिएटिव लेना हिंदी में लाना, क्या तुम्हें लगता है कि वन पीस का फैन बेस बढ़ेगा, जो न्यू फैंस अपकमिंग है क्या उन्हें वो अच्छा लगेगा? एक्चुअली लोगों का माइंडसेट रहता है अगर जो इन लोग बैरियर देखेंगे ना, 1000 एपिसोड इतना बड़ा सीरीज है, बैरियर देखेंगे तो फिर उतना पुल करना मुश्किल रहेगा। लेकिन कैसा रहता है, एक बार आपने एक एपिसोड टेस्ट किया ना फिर आप फैन हो जाओगे, फिर वो 1000 एपिसोड कम पड़ेंगे। मुझे 6 महीना लगा कंप्लीट करने को, लेकिन कम पड़ता है एपिसोड, दिल से बोलो सच्ची बोलो बहुत लेस एपिसोड्स फील होते हैं। और पीवीआर एक कर रहे हो अच्छा है, लेकिन मतलब थोड़ा और मूवीज आते तो अच्छा लगता। अभी जैसे स्टैम्पीड एक मूवी है, वो भी काफ़ी अच्छा मूवी था। इस मूवी में सबसे बेस्ट सीन तुम्हें कौन सा लगा? सबसे बेस्ट सीन जब डीमन किंग जागता है ना और सारा ऊटा को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और लूफी और शैंक्स जब मिलकर फाइट करते हैं, सारा गियर दिखाते हैं और बाद में 2 सेकंड का ईस्टर एग गियर 5 के लिए देते हैं, बेस्ट सीन था वो, जब लूफी 2 सेकंड के लिए सिर्फ गियर 5 के फॉर्म में दिखा था वहाँ पे। और जो मांगा रीडर नहीं उनको तो समझेगा भी नहीं कि कौन सा फॉर्म है लूफी का। सो गाइस जैसा आपको पता है कि हम और इंटरव्यू करेंगे, और ये दोनों भी महाशय थे एंड तक रुके हुए थे। जैसा आपने वीडियो में देखा कि सिर्फ 3 व्यक्ति थे, उनमें से अनिकेत का तो इंटरव्यू हो चुका है। दोस्त आपका नाम क्या है? सौरभ। आपका? अभिषेक। सो सौरभ और अभिषेक, आपको ये मूवी कैसी लगी, ज़रा ज़ोर से बोलो। ऑसम और बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं जस्ट एलाबास्टा आर्क पे हूँ, मुझे तो आगे का पता भी नहीं क्या है, और कैरेक्टर्स जानने भी है, और इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स मतलब समझ में नहीं आए कौन से हैं, अभी देखने का और मन हो रहा है। तो आपने जापनीज में अभी तक फॉलो किया है राइट? हाँ। तो अभी हिंदी वॉइस देख के आपको कैसा लगा? मस्त लग रहा है, मतलब कॉमेडी भी अच्छा है और समझ में भी बहुत जल्दी आ रहा है। इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, पर इसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रहा है। और ये जो पीवीआर का फैसला है वन पीस को हिंदी में लॉन्च करना वगैरह, तुम्हारे हिसाब से पीवीआर ने सही कदम लिया? सही है, और ऐसा होना चाहिए, और एनिमे मूवीज आने चाहिए। सर अब तुम्हारे हिसाब से कितनी मूवीज और पीवीआर को लॉन्च करनी चाहिए, अगर लाइक कोई भी मूवी आ रही है सपोज जापान में रिलीज हो चुकी है तो जैसा इन्होंने वन पीस के लिए किया, क्या इन्हें और करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए इन फ्यूचर, लाइक और भी अच्छे एनिमेज है जैसे ब्लैक क्लोवर हो गया, अपना डेमन स्लेयर हो गया, सब शोनन एनिमेज, तो उनको भी करना चाहिए क्योंकि उनका भी इंडिया में फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन ये लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, इसके लिए अभी डाउन है हमारे लिए। और सबसे बेस्ट वॉइस अगर मैं कहूँ पूरी मूवी में हिंदी में, तुम्हें कौन सी लगी? हिंदी में आप कैटेगरीज में जाओगे, क्यूट में जाओगे तो चॉपर सबसे बेस्ट था, लूफी का साउंड बहुत अच्छा था। ओके और मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट में कौन सा लगा? एंडिंग का, जब शैंक्स और लूफी एक साथ फाइट करते ना वो सीन ऑसम था, और एंडिंग में तो लूफी गियर 5 भी दिखाया जब तक एनिमे में दिखाया नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉरी अनिकेत तुमको मैंने पूछा नहीं, ओवरऑल मूवी तुम्हें कैसी लगी? ओवरऑल मूवी तो ऑसम था, लेकिन ये लोगों को वेस्टर्न साइड में भी रिलीज करना चाहिए। और तुम्हारा क्या कहना है कि वेस्ट में होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। सो पीवीआर प्लीज लिसन टू अस, थोड़े बहुत हिंदी शोज दे दो मुंबई वेस्टर्न में, अच्छा लगेगा, ऐसे ही क्राउड हमें देखने को मिलेगा। बस इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में, थैंक यू गाइस। हम लोगों का स्टोरी बताता हूँ, हम लोग ना वेस्टर्न साइड कॉटन ग्रीन एरिया है ना, वहाँ से पनवेल तक आए 2 घंटा ट्रैवल करके, क्या बात कर रहे हैं, हिंदी डब सपोर्ट करने के लिए, हम मलाड से आए 9:30 बजे निकल गए हिंदी डब सपोर्ट करने के लिए, 9:10 सुबह हम लोग उठे, और आज तो मेगा ब्लॉक था संडे का, यार वाशीपुरला पूरा वाट लग गया मूवी देखने के लिए। नहीं अभी खुल गया, अभी खुल गया, लोअर परेल का हमारा मतलब पीवीआर है सबसे क्लोजेस्ट है, मुश्किल से 10-15 मिनट में चल के पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिंदी डब सपोर्ट करना था, देखना था की कैसा लगेगा, बंदे ने कम्प्लीट किए सीरीज तो लाइक इसका पॉइंट काफी वैलिड है, लाइक
एकदम क्लियर। और बोलो ना, बहुत मस्त है। हमारे यहाँ पे रिलीज होगा ना, और ज्यादा दोस्त लोग जाएंगे। हमारे और भी ग्रुप है बड़ा, मतलब 8-10 लोग हम लोग फैन है, लेकिन हम लोग 3 ही जन है। आधे लोगों का कुछ और प्लान था। दो मेन कैसा इंडियन यूट्यूबर जो भी है ना, उन लोगों को जो ओवररेटेड एनिमे, अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी, ओवररेटेड एनिमे रहता है जिनका हाइप बना रहता है ना, ड्रैगन बॉल को पता है, जिनका हाइप बना रहता है उन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। और वन पीस कैसा एक फुल डिनर प्लेट आपके सामने, सब कुछ इसमें है, जैसा आप उसको एंजॉय करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस पे जल्दी वन पीस पे। और बहुत कम कंटेंट क्रिएटर है, एक है BVF लाइव करके, वो वन पीस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। उन्होंने अभी कल ही मांगा का वो मतलब रिव्यू भी डाला था कि कैसा चालू है। और कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को मतलब लेंदी लगता है तो बोल देते हैं कि लेंदी है, लेंदी मतलब हर चीज में थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया, स्टिल ही के देख रहे हैं। तो अगर ये आ सकता है एज अ कॉमन पर्सन तो वो तो क्या क्या नहीं कर सकते। मैं नवंबर में स्टार्ट किया था और अप्रैल लग गया मुझे खत्म करने के लिए, जबकि मैंने बहुत एनिमे देखे हैं, ब्लैक क्लोवर, नारुतो, मतलब गिनते जाऊंगा खत्म नहीं होगा। मैं आपको पूरा स्टोरी लाइन बता सकता हूं सारे एनिमे का जितना भी देखे हैं। लेकिन कहां रहते हो तुम? लालबाग परेल अगर मुंबई में होता है इवेंट, जिसका मैं कह नहीं सकता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, आओगे पक्का? अरे जरूर जरूर जरूर, इतना ट्रैवल करके यहाँ पे आएंगे मुंबई में तो और तबाही मचा देंगे बराबर। बोले बढ़िया गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, और अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना।